के मन की बात के 100वें एपिसोड पर दिल्ली में भी आज बीजेपी ने कई कार्यक्रम किए। बीजेपी राज्य महिला मोर्चा की इंचार्ज योगिता सिंह ने कहा, पीएम मोदी ने अपने संवाद में उन बातों का जिक्र किया जिसका सरोकार जनता से है। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता अमित गौतम ने। जब हमने लोगों को कहा कि आप हमारे साथ आइए मन की बात के लिए, तो हम रेगुलर हर महीने सुनते ही आ रहे हैं। जब से प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने, और वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने जिन्होंने जन संवाद किया, आज उन्होंने 100वें एपिसोड में उन सभी बातों का जिक्र किया जो बातें उन्होंने कही और वो जन अभियान बन गई। उन्होंने सबसे पहले सेल्फी विद डॉटर की बात करी, जब उन्होंने महिला और पुरुष के रेशो में हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत करी, तो आज पूरे देश भर का रेशो बढ़ गया है, वो जन अभियान ही तो बना। उन्होंने एक मणिपुर की महिला की बात करी जो अपना कमल के उससे बना रही है, धागा बना रही है और उससे कपड़े बना रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि उन लोगों को अब रोजगार मिल रहा है। पहले दूर देहात नॉर्थ ईस्ट तक कोई पहुंच ही नहीं पाता था। कोई भाई एनवायरमेंट पे काम कर रहे हैं, एक भाई पेंसिल और स्लेट बना रहे हैं, उन्होंने भी 200 लोगों को रोजगार दे दिया है। वो रोजगार तभी दे पाए जब प्रधानमंत्री जी ने उनसे संवाद किया, हम उन्हें जान पाए। ये प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है कि उन्होंने राजनीति के पटल को छोड़कर आम जनमानस की बात करी। और हमारे देश में ऐसे अनेकों अभियान, उन्होंने कहा कि हम लोकल फॉर वोकल के लिए, आज लोकल फॉर ग्लोबल हो गया और ये हो ही गया है। ये कथनी और करनी में अंतर नहीं है, हम ऐसे ही प्रधानमंत्री जी की मन की बात को सुनते रहेंगे।